ये कोई वाटर पार्क नहीं है, ये दिल्ली का राजधानी दिल्ली का शांतिवन का चौक है, ये कोई वाटर पार्क नहीं है। यहाँ वेव नहीं चल रही है, बाढ़ का पानी है, बाढ़ का पानी है, बिल्कुल क्या कहना चाहेंगे? मैं ये नोटिस कर रहा हूँ, जो लोग कभी हिल स्टेशन नहीं गए हो और जिन्होंने कभी इस तरह का फॉल नहीं देखा हो, वो लोग आज यहाँ आकर पूरा एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। हम लोग देखने आए थे कि कितना पानी आएगा, लेकिन यहाँ आकर के महसूस होता है कि लोगों ने इसको जस्ट लाइक पिकनिक स्पॉट बना लिया है। घरों में पानी नहीं आएगा, कह दी गई है कि दो तीन दिन घरों में पानी नहीं आएगा, लिहाजा यहीं पर आके नहा लेते हैं। घरों में पानी नहीं आएगा, यहीं आकर नहा लेते हैं। इसीलिए जमुना के इस बाढ़ के पानी में जमकर मौज मस्ती एंजॉय और पूरी तरीके से एंटरटेनमेंट करते हैं। और सुबह के 4 बजने को हैं, आसमान पर अब चटक फूट जाएगी और जाहिर सी बात है जो फजर का वक्त होगा वो शुरू हो जाएगा। लेकिन एक तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आउटर रिंग रोड की है, यानी राजघाट शांतिवन के पास का जो इलाका है वो दिखा रहा हूँ, लाल किले के बैक साइड का। जमुना का फ्लो क्योंकि इतना ज़्यादा बढ़ चुका है और 208.50 मीटर पर इस वक्त जमुना चल रही है। आप सोचकर देखिए ज़रा कितना डेंजर है, जो लेवल भी क्रॉस हो चुका। लेकिन यहाँ हमने अब तक यानी 43 साल में मैंने कभी इस रिंग रोड को बंद होते हुए नहीं देखा। दोनों ही सड़कें, राजघाट की तरफ जाने वाली भी और इस तरफ से आने वाली, दोनों ही सड़कें पूरी तरीके से बंद हैं, ट्रैफिक ठप है। दोपहर भी जैसे आपको दिखाया, उस तरफ जो रेल यातायात है पुराना लोहे वाले पुल की तरफ पूरी तरह से बंद, यहाँ पर रोड ट्रैफिक बंद। आप सोचिए कि कितनी कनेक्टिविटी कई अलग अलग राज्यों से इसी इलाके से होकर के लोग गुजरते हैं। ये आउटर रिंग रोड है, बंद हो गया है, कितना असर आगे पड़ सकता है। लेकिन लोग हैं कि ये जो पानी है इसका मज़ा लेने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और दूर तक इसका जो फ्लो है वो बहुत ज़्यादा है सड़कों के ऊपर, यहाँ से लेकर के पूरा आश्रम तक और आश्रम से लेकर आगे ओखला बैराज, और पानी गुजर रहा है कालिंदी से होता हुआ नोएडा के रास्ते उत्तर प्रदेश और आगे यूपी हरियाणा निकल रहा है। लोग किस तरह का यहाँ पर मौज मस्ती कर रहे हैं वो सिचुएशन आपको मैं दिखा दूँ। आपके स्क्रीन पर ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सामने गीता कॉलोनी शांतिवन का जो फ्लाईओवर है जहाँ से गीता कॉलोनी की तरफ ट्रैफिक जाने और आने का पूरी तरह बंद है। इधर लाल किले की तरफ कश्मीरी गेट जो जाने वाला रास्ता है पूरी तरह बंद है। लेकिन आप देखें तो लोग इस वक्त सुबह के वक्त भी यहाँ इतनी तादाद में मौजूद हैं और सब मौज मस्ती कर रहे हैं। आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, क्योंकि तीनों वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद कर दिए गए हैं, पानी इतना ज़्यादा पहुँच चुका है कि वज़ीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हो या फिर उसके अलावा चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और ओखला ट्रीटमेंट प्लांट, तीनों बंद कर दिए गए, जिसकी वजह से अब घरों में पानी नहीं पहुंचेगा, यानी सप्लाई 2-3 दिन तक बाधित रहेगी। और अभी हालात फिलहाल कम होते हुए पानी के नज़र नहीं आ रहे हैं। आपके स्क्रीन पर ज़रा देखिए तो सही, ये कोई सीलिंक नहीं है मुंबई का या कोई जुहू चौपाटी नहीं है जहाँ लोग मौज मस्ती कर रहे हों, या ये कोई गोवा की सरजमीन नहीं है, ये राजधानी दिल्ली है और दिल्ली का रिंग रोड है, राजघाट के पास का इलाका है। देखिए तो सही ज़रा कितना तेज़ बहाव है पानी का, और बच्चे बड़े बूढ़े महिलाएं तमाम यहां पर पहुंचे हुए हैं इस मस्ती को एंजॉय करने। क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, सभी यहां पर पहुंचे हुए हैं। और मैं कहता हूं कि नौजवान नस्ल के लिए तो ये एक पहली बार ऐसी चीज़ है, इससे पहले शायद ही किसी ने देखी हो। मेरे साथ एक बुज़ुर्ग भी है, उनसे ही पूछता हूँ। पाजी क्या नाम है आपका? गुरमीत सिंह।
गुरमीत जी, क्या उम्र कितनी है आपकी? 40। तो 40 साल की जिंदगी में कभी देखा था कि आप शांतिवन राजघाट के पास खड़े होंगे, ट्रैफिक बंद होगा और सिर्फ पानी का राज होगा? नहीं, ऐसा कभी सोचा भी नहीं था, ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ। अच्छा लग रहा है। बाढ़ का पानी जो है वो लगातार बढ़ रहा है। हथनीकुंड बैराज जो है कंटिन्यू हर घंटे लाख, डेढ़ लाख, सवा लाख क्यूसेक पानी छोड़ रहा है। हालात दिल्ली में और क्या आपको लग रहे हैं होते हुए? खराब होते जा रहे हैं, पहले से ज़्यादा हालात बहुत खराब है। कुछ किया जाना चाहिए था आपको लगता है, या इतनी बड़ी आपदा के लिए किसी के हाथ में कोई सरकार चाहे कोई सी हो नहीं कंट्रोल कर सकती, सब फेल हो सकती है? तो जहाँ तक हमने न्यूज़ चैनल देखे हैं, न्यूज़ देख रहे हैं कि ITO भी जैसे ही उन्होंने गेट खोल दिए हैं, तो उम्मीद है कि पानी दिल्ली से बाहर अब धीरे धीरे धार जाना चालू हो जाएगा। तो जैसे पीछे से पानी छोड़ा जा रहा है कि वो कंटिन्यू तो आ ही रहा है, पर दिल्ली से भी बाहर पानी यूपी जा रहा है, तो इससे भी काफ़ी असर पड़ेगा। असर पड़ेगा। कम क्या नाम है आपका? गगनदीप सिंह। गगनदीप जी, आपका क्या नाम है? आपसे पूछना चाह रहा हूँ। मोहम्मद अजहर। आप लोग यहाँ पहुँचे, कोई डर नहीं लग रहा? कोई सांप आ जाए, कोई जानवर आ जाए पानी में बहता हुआ? ये तो क्लियर पानी है ना, सांप कहाँ से आएगा? नहीं, सांप तो आए हैं, आज रिपोर्ट चली है बाकायदा, पुराने लोहे के पुल के ऊपर सांप, दो सांप पाए गए हैं। जी, लेकिन बच्चे जो हैं उनसे अगर मैं पूछूं, छोटी उम्र के जो हैं खास तौर से अगर मैं देखूं, मुझे ये बताइए आपकी जनरेशन के जो लड़के हैं, लड़कियां हैं, बच्चे हैं यहाँ पर, उनके लिए तो एक ये एंजॉयमेंट का टाइम है ऐसा लग रहा है। पहली बार आप लोग देख रहे हैं, पिकनिक स्पॉट बन गया, बिल्कुल ठीक कहा। बिल्कुल, हमने तो पहली बार देखा, लास्ट टाइम दिल्ली में 1978 में ऐसा हुआ था, हमने सुना है और न्यूज में हमने देखा है, तो हमने पहली बार देखा है दिल्ली में ऐसा, और शांतिवन राजघाट के चौराहे पे इतना पानी तो पहली बार ही देखा। और क्या कहना चाहेंगे जो लोग आगे, क्योंकि पानी का बहाव बहुत तेज है, मैं चाहूंगा थोड़ा उस तरफ दिखा दीजिए, बहाव बहुत तेज है, पानी का बहाव बहुत तेज है, लोग सावधान रहें और ज़्यादा पानी में ना जाए, कहीं डूबने का भी खतरा हो सकता है और कोई कीड़ा भी काट सकता है। जैसे हमने दोपहर को भी देखा कि सांप पानी में आ गए थे और जानवर भी पानी में आ सकते हैं। ये बाढ़ का पानी है, इसका कोई भरोसा नहीं है, कोई भी जानवर इसके अंदर आ सकता है और नुकसान पहुँचा सकता है। बाढ़ का पानी है, कोई भी जानवर इसमें आ सकता है और नुकसान पहुँचा सकता है। बिल्कुल, नौजवानों के लिए और बच्चों के लिए तो ये एक बड़ा ही एंटरटेनमेंट का, मौज मस्ती का और सैर सपाटे का टाइम है। मैं आपको दिखाऊं इधर की तरफ, ज़रा फ्लो देखिए कितना तेज़ है, कितना तेज़ बहाव है इसका पानी का। लोगों ने इसको एडवेंचर पिकनिक स्पॉट बना लिया, लोग जत्थे के जत्थे आ रहे हैं ग्रुप। हालांकि अंधेरा है, बिजली काट दी गई है, जितने भी पोल्स वगैरह हैं, रेड लाइट वगैरह, सब सबकी बिजली पूरी तरह से काटी गई है और ये देख सकते हैं कि इन लोगों का एंजॉयमेंट में कोई कमी कसर नहीं आए। बस वही है, ये भारत की जनता है, ये दिल्ली के दिलवाले हैं जिनको आप नहाते हुए देख रहे हैं। ये देखिए, मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर पुलिस से भी कंट्रोल नहीं हो रहा। हकीकत तो ये है कि पानी का फ्लो इतना ज़्यादा तेज है, अगर कोई बच्चा यहाँ बहकर निकल जाएगा तो आप सोचिए कि क्या हालात होंगे। ये देखिए, क्योंकि ये लोग जब यहाँ पर पहुँचे तो उसके बाद के जो हालात हैं पुलिस को कंट्रोल करने के लिए इनको यहाँ पर, यही वजह है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि पुलिस जब यहाँ आई है तब जा कर के इलाके को कंट्रोल किया जा रहा है। ये आप लाइव तस्वीर आपके स्क्रीन पर, हिंदुस्तान लाइव पर देख रहे हैं, क्योंकि इस जगह को जो एक मौज मस्ती का एक अड्डा बनाया था, पुलिस यहाँ पहुँची है और हालात को कंट्रोल करने के लिए इस वक्त में ये जवान यहाँ पर आए हैं, ताकि बैरिकेडिंग वगैरह कर दी जाए और बैरिकेडिंग करने के बाद में इसके आगे यहाँ लोग नहीं पहुँचे, क्योंकि पानी का बहाव जो है वो ज़्यादा है। सामने की तरफ देखें तो जो शांतिवन की रेड लाइट के पास में इस वक्त जो PCR की गाड़ी है वो मौजूद है। थाना कोतवाली हो या थाना दरियागंज हो, पुलिस ने अब मोर्चा संभाला है और ये आप लोग देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर, लोगों को अब हटाया जा रहा है, यहाँ से निकाला जा रहा है, क्योंकि जो पानी का फ्लो है वो आपको दिखा दूँ,
बहुत ज़्यादा है, छोटे छोटे बच्चों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इसी वजह से अब यहाँ लोगों को हटाने के लिए पुलिस पहुँची है। ये लाइव तस्वीर आपके स्क्रीन पर पूरी तरह से यहाँ से लोगों को हटाया गया है और उनको कहा जा रहा है कि आप लोग अपने घरों को जाइए, सुबह का वक्त हो चुका, आप लोग घरों को जाइए। ये देखिए ज़रा इस तरीके से एंजॉयमेंट ये जो कर रहे हैं, इस तरीके के हालात हैं। समझाने के लिए पुलिस ने कहा है कि यहाँ से सब लोग हट जाएं, अपने घरों को जाएं। ये बाढ़ का पानी है, इसका बहाव बहुत तेज़ है, आपकी ज़िंदगी को, आपकी जान को नुकसान दे सकता है। और हकीकत में हमारा खड़े होना भी इस वक्त मुश्किल हो रहा है। जिस तरीके से आप देखें, ये मेरे पैर हैं और पानी जो है उसका हाल देखिए, किस तरह से पानी तेज़ बहाव के साथ चल रहा है। इसके लिए किसी तरह से पुलिस यहाँ पर पहुँची है और दोनों ही तरफ, दरियागंज की साइड पर भी और इस तरफ शांतिवन की तरफ भी पुलिस की नाकाबंदी की गई है। ये कांवड़िए जो है, इनकी गाड़ी को निकालने के लिए मैं आपको दिखा दूँ, ये बच्चे लगे हुए हैं जो जल लेकर आ रहे हैं। और पानी का बहाव यकीन मानिए बहुत ज़्यादा है। मैं खुद खड़ा हुआ हूँ इस वक्त में और मुझे खुद महसूस हो रहा है कि पानी का जितना तेज़ बहाव है। फिलहाल दरियागंज थाना की पुलिस ने और उसके अलावा कोतवाली थाने की पुलिस ने मोर्चा संभाला है और इस पानी के अंदर इस तरह से आप कैसे रहिए। ये मैं आपको एक तस्वीर दिखा दूँ, ये जो लोग कांवड़िए इस वक्त में यहाँ पहुँच रहे हैं, ये जल लेकर के यहाँ पर आ रहे हैं और इनकी मदद कर रहे हैं तमाम। इसमें पुलिस के भी लोग हैं, हिंदू मुस्लिम भी लोग हैं, सब मदद करके यहाँ से क्रॉस करा रहे हैं किसी तरीके से कांवड़ियों को, जो उनका जल वगैरह है वो खंडित नहीं हो जाए। मैं पूछना चाहता हूँ, आप लोग यहाँ से इतने तेज़ पानी के बहाव में से कांवड़ियों को भी यहाँ से निकलवा रहे हैं, क्या नाम है आपका? मेरा फहीम खान। फहीम खान जी, शुएब वसीम खान। तो आप लोग कांवड़ियों को यहाँ से निकालने में मदद कर रहे हैं? जी भाई, अब्दुल रहीम खान। जी अब्दुल रहीम खान। तो आप लोग कांवड़ियों को निकालने में यहाँ से मदद कर रहे हैं? जो हम जो होगा अब हम वो करेंगे, कांवड़ियों के लिए हो, अपने हिंदुस्तानी भाई के लिए, जो भी हो वो करेंगे। बिल्कुल, मैं दिखा दूँ आपको, इतना तेज़ पानी है कि ये लोग कांवड़ियों को यहाँ से, जो कांवड़ लेकर आ रहे हैं उनको निकालने में यहाँ से मदद कर रहे हैं। पानी बहुत ज़्यादा तेज़ है, बहाव बहुत है, बेहद भीड़ हो गई थी और अब फिलहाल यहाँ से रास्ता जो है उसको क्लियर कराया गया है। ये जो आप चौक देख रहे हैं, ये शांतिवन का मेन चौक है। इतनी तेज़ पानी का जो प्रेशर आ रहा है, पानी फ्लो कर रहा है, वहाँ पर पब्लिक हुजूम हज़ारों की तादाद में, लोग देखना चाहते हैं। और जो ऐसी नई जनरेशन है ना, इनके लिए तो एक अद्भुत चीज़ है, एक ऐसी पहली मर्तबा, ये छोटे छोटे जो बच्चे आप देख रहे हैं सुबह के 4 बजे, इनके लिए नया चीज़ है कि आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि से पानी का प्रेशर बढ़ा। और इस वक्त भी अब से तकरीबन आधा घंटा पहले कि आपको खबर दे रहा हूँ, रात के 3 बजे भी हथनी कुंड बैराज से लगभग 90,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जो दिल्ली में पहुँच ही जाएगा, यानी दोपहर तक यहाँ पहुँचने के इम्कान हैं। लेकिन जितना पहुँचा वो इतना हुआ कि आपके स्क्रीन पर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। आगे हज़ारों लोग हैं और ये जो तस्वीर आप लोग देख रहे हैं, इस वक्त में मरीन ड्राइव पे लोग एंजॉय करने हम देखते हैं कि नज़र आते हैं बॉम्बे में, या हम देखते हैं कि और दूसरे जगह और दूसरे शहरों में जो समुद्री इलाके हैं या चौपाटी वगैरह पे लोग होते हैं, तो आज यहाँ पर जो हालात हैं वो कुछ इस तरह से हैं जो आपके स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे हैं। देखने के लिए दूर दूर से इस पानी के मज़े लेने लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, एंटरटेनमेंट करने पहुँचे। हालांकि कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है, इस बात का किसी को ख्याल और ध्यान नहीं है। देखिए मैं सामने दिखाऊं, एक बहुत छोटा सा बच्चा, ये छोटे से बच्चे को लेके इनके पापा बैठे हैं। ये देख लीजिए, आपके स्क्रीन पर बहुत तेज़ फ्लो है पानी का, कई लेडीज़ यहाँ पर हैं, बच्चे पहुँचे हुए हैं, बुज़ुर्ग यहाँ, यानी ये जो पानी आपको दिखाई दे रहा है, इसका फ्लो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा तेज़ है। राजघाट की तरफ तक ये पूरा इस टाइम
पानी जा रहा है, लेकिन लोग इसको एंजॉय कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। आप लोग इस वक्त में यहाँ पहुँचे हुए हैं सुबह के 4 बजे, वजह भाई बस सिर्फ इस चीज़ को देख रहे हैं यहाँ पे जो बाढ़ आ रही है, 21 का मजा ना लें लोग, मैं तो ये कह रहा हूँ। तो आप तो खुद मजा ले रहे हैं। मजा नहीं ले रहा, मैं अपने भाई को ढूंढना हूँ। भाई ढूंढने आए हैं, अपने भाई को ढूंढने, भाई को ढूंढने आए हैं। घरों में तो पानी अब आएगा नहीं, अगले 3 दिन के लिए ये बात कह दी गई है कि चंद्रावल वाटर प्लांट हो, ओखला वाटर प्लांट हो, फिर वजीराबाद वाटर प्लांट हो, तमाम सब पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं। तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम यहाँ एंजॉय करने के लिए यहीं पर ही पहुँच जाएं। तो आज हम जो तस्वीर देख रहे हैं ये शांतिवन रेड लाइट की है, रिंग रोड पूरी तरह से बंद किया गया है। मैं थोड़ा सा लोगों को दिखाने चाहता हूँ, थोड़ा आगे से इस तरह उस वक्त आप लोग भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सर पानी का माहौल देखना है हमें। सर पानी का क्या माहौल देखना है? दिल्ली में पहली बार पानी देखा हमने। तो आपको पता है आपसे कुछ घंटे पहले हिंदुस्तान लाइव पर एक खबर चली थी कि इसी पानी के बहाव में कई सांप बाकायदा पहुंचे और वो लोहे के पुल तक आए हुए हैं। और दिल्ली के बाहर की जो तस्वीरें थी वहाँ ये हुआ है कि और दूसरे जानवर दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये खतरनाक नहीं है क्या? ये बहुत खतरनाक है, लोगों को सावधान रहना चाहिए और यहाँ नहीं आना चाहिए, बचना चाहिए। ये देखिए ये जो तस्वीर दिखा रहे हैं ये जो वहाँ पर एक क्रोकोडाइल ऐसे ही बहते पानी में और बस्ती में आ गया था, ये आप लोग देख रहे हैं ना, जरूर सोशल मीडिया पे देखी होगी। सांप बहते हुए आ रहे हैं, पानी तेज है, बौछार और बाहर बहुत ज्यादा है। ये देखिए जरा इस तरह की सिचुएशन है, इस तरह के हालात हैं। ये देखिए जरा ये दाढ़ी वाले साहब हैं यहाँ पर आए हुए हैं और पूरे इस वक्त में मज़े ले रहे हैं, कह रहे हैं मसूरी के मज़े ले रहे हैं। इस टाइम जैसे लोग लग रहा है कि चौपाटी पे पहुँचे हुए हैं, या लग रहा है कि जैसे यहाँ जुहू पे आए हुए हैं, मरीन ड्राइव पर है। इतना पानी है और लोगों का एंजॉयमेंट करने का एक सेंस देखिए किस तरीके की ये हालत है, कैसी ये सिचुएशन है। लाइव तस्वीर, लाइव पर पानी का फ्लो बहुत तेज़ है इस वक्त में, ये आप देख सकते हैं। प्रेशर यहाँ बढ़ा हुआ है। ये मेन रोड है, रिंग रोड मैं आपको दिखा रहा हूँ आपके स्क्रीन पर, जिस जगह आप लोग लाइव देख रहे हैं। और पूरा रिंग रोड इस वक्त में बंद है। सामने जो अनाउंसमेंट सिस्टम के जरिए लोगों से अनुरोध किया जा रहा है, रिक्वेस्ट की जा रही है कि आप लोग यहां से चले जाइए, आप लोग यहां मत आइए, पानी बहुत तेज़ है, बहाव बहुत ज़्यादा है और हथनी कुंड बैराज से और ज़्यादा पानी छोड़ा गया है, लिहाजा यहां मत आइए। पीछे अब पुलिस यहां पर पहुंच चुकी है और पुलिस के ज़रिए ही इन सबको हटाया जा रहा है, इनको ये कहा जा रहा है कि अब आप लोग यहां से हट जाएं, चले जाएं। लेकिन पूरी रात एंटरटेनमेंट लोग करते रहे, एंजॉयमेंट करते रहे, सेल्फी वीडियो सब कुछ यहाँ रात भर चलता रहा और अब सुबह में जा कर के लोगों को हटाया गया है। जब पुलिस यहाँ पहुँची तब जा कर के किसी तरीके से भीड़ को, क्राउड को कंट्रोल किया गया है। यहाँ पर पानी का जलस्तर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, आप लोग जितना भी हो सके जल्दी से बाहर बढ़िए। ये देख यहाँ से सब लोग देखिए, यहाँ से आप लोग सभी गलत आ गए हैं, आप लोग बाहर निकलिए जल्दी से जितना भी हो सके, आप लोग आराम से बाहर निकलिए, सभी आराम से निकलिए जल्दी से। आप लोगों को बार बार अनाउंसमेंट किया जा रहा है, आप लोग बाहर जाइए, आप लोग जा नहीं रहे, अब पानी का उफान बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। हद ये है कि लोगों को यहाँ से हटाने के लिए DDMA तक की टीम आई है, दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर हैं, वॉलंटियर्स यहाँ पर हैं और DDMA को, दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को यहाँ पर बुलाया गया है, ये तक यहाँ पहुँची है। रिंग रोड पर शांतिवन राजघाट के पास में लाल किला के पीछे पूरी रात इसी तरह से लोगों का, नौजवानों का, बच्चों का एंटरटेनमेंट जारी रहा और अब सुबह में आकर के किसी तरह से पुलिस ने
मोर्चा संभाला है और यहाँ से लोगों को हटाया है। देखिए जरा पानी का प्रेशर देखिए, ये हालत है। और पुलिस ने आकर के बच्चों को, महिलाओं को, बुजुर्गों को, नौजवानों को यहाँ से हटाया है कि आप इसकी अहमियत को समझकर देखिए। जिस तरीके से ये पानी यहाँ बह रहा है, आपकी जान को खतरा हो सकता है। कोई छोटा बच्चा हुआ वो बहकर आगे निकल सकता है, पकड़ा भी नहीं जाएगा, इतना तेज पानी है। एहतियात बरतिए। हिंदुस्तान लाइव, फरहान याहिया। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव, फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू फॉर नाउ।